हेलो दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे को नए वीडियो में। तो दोस्तों, आज की इस नई वीडियो में हम बात करने वाले हैं किस तरीके से आपका यहाँ पे डिवाइस रहता है इन्फिनिक्स का। तो आपने इन्फिनिक्स के मोबाइल के अंदर किस तरीके से आप यहाँ पे जो कॉन्टैक्ट नंबर रहता है उसको यहाँ पे फाइंड कर पाएंगे ब्लैक लिस्ट में। तो सिंपली फ्रेंड्स, ब्लैक लिस्ट को फाइंड कैसे करना है, तो सिंपली दोस्तों यहाँ पे क्या करना पड़ेगा ब्लैक लिस्ट को फाइंड करने के लिए, तो यहाँ पे देख पाएंगे कि यहाँ पे मेरा कॉन्टैक्ट का ऑप्शन है। सिंपली मैं क्लिक कर लेता हूँ और क्लिक करने के बाद इस तरह का ऑप्शन आपको यहाँ पे देखने को मिल जाता है। तो सिंपली दोस्तों आपको यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, जैसे आप यहाँ पे आएंगे और यहाँ पे कोने पे देखने को मिलता है आपको सेटिंग का ऑप्शन। तो सिंपली यहाँ पे कोने पे सेटिंग का जो ऑप्शन रहता है सिंपली उस पर क्लिक कर देंगे। तो जैसे मैंने यहाँ पे सेटिंग्स के ऑप्शन पे क्लिक किया हुआ है और क्लिक करते के साथ इस तरह का इंटरफेस मेरे को यहाँ पे देखने को मिल रहा है। तो दोस्तों, जैसे मैंने यहाँ पे क्लिक किया और यहाँ पे क्लिक करने के बाद फ्लैश फॉर कॉल्स का ऑप्शन है, ऑटो कॉल रिकॉर्डिंग का ऑप्शन और यहाँ पे माई वीडियो शो का ऑप्शन है। दोस्तों, हैरेसमेंट फिल्टर का जो ऑप्शन रहता है आपके सामने आ चुका है। और सिंपली मैं यहाँ पे क्या करूँगा, यहाँ पे आने के बाद जो है देख पाएंगे कि यहाँ पे आपके कई सारे ऑप्शन देखने को मिल जाते हैं। तो सिंपली मैं यहाँ पे क्या करने वाला हूँ यहाँ पे आने के बाद, कि यहाँ पे आने के बाद जो दोस्तों यहाँ पे हैरेसमेंट फिल्टर है जो कि ऑप्शन है, सिंपली क्लिक करेंगे और यहाँ पे देख पाएंगे कि मेरा ब्लैक लिस्ट यहाँ पे शो हो जाएगा और यहाँ पे फाइंड कर पाएंगे ब्लैक लिस्ट को। देख सकते हैं यहाँ से आपके अपने ब्लैक लिस्ट को नंबर में ऐड भी कर पाएंगे यहाँ से प्लस आइकन पे क्लिक करके। तो जो नंबर आप यहाँ पे ऐड करेंगे वो आपका नंबर यहाँ पे ब्लैक लिस्ट में ऐड हो जाएगा और यहाँ पे ब्लॉक हो जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों वीडियो पसंद आए, तो वीडियो को लाइक करें और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करें।